फ्रूटी को एक बेटा हुआ। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। हाय दैया, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। क्या नाम रखूं मैं तुम्हारा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारा नाम लेमन चूस बाबा ही रखेंगे। उसके बाद फ्रूटी चल देती है लेमन चूस बाबा के पास। बाबा, लेमन चूस बाबा, पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। ओ बाबा तो इधर बैठे हुए हैं। बाबा बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? अरे साला, ढील फट गया है बहुत तेज, वही खोज रहे हैं। तुम अपनी समस्या बताओ ना, बैठो बैठो। बाबा, मेरे बेटे को कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए। साला इधरे तो था एगो, कहाँ चला गया, मिलिए नहीं रहा है। बाबा, ओ नाम रखना है तो पद्दू नाम रख दो। मेरा प्यारा बेटा, लेमन चूस बाबा ने तेरा नाम पद्दू रखा है। आज से मैं तुझे पद्दू कह के बुलाऊंगी। जल्दी से बड़ा हो जाए मेरा बेटा। फ्रूटी दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी और पद्दू का पालन पोषण करती थी। 10 साल बाद मैं तो बूढ़ी हो चुकी, अब तो पद्दू ही एक सहारा है। पता नहीं पद्दू क्या करेगा। लेमन चूस बाबा से पद्दू का भविष्य जान लेती तो अच्छा रहता। पद्दू का भविष्य जानने के लिए फ्रूटी फिर से लेमन चूस बाबा के पास जाती है। लेमन चूस बाबा की जय हो। साला इधर फिर से आ गई। बाबा, अभी तक आप ढीले खोज रहे हैं। तो तुमको उससे क्या मतलब है, तुम अपनी समस्या बताओ ना। बाबा, पद्दू का भविष्य आप बता सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। A few moments later. बाबा, कुछ पता चला? भविष्य देखने के लिए बोले थे, लगता है ससुर का नाती सो गया। पुत्री, मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर दोबारा ससुर का नाती बोली तो मुंह में लाठी कर दूंगा। अरे बाप रे, सॉरी बाबा। इट्स ओके। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर चोर बनेगा। क्या? चोर बनेगा? हाँ। जब फ्रूटी को पता चला कि उसका बेटा चोर बनेगा, तब उसने 100 मंजिल से कूद के सुसाइड कर लिया। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पद्दू का क्या हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल